श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की, जो कि छत्तीसगढ़ में श्री गोपित्र सीमा पुराण कथा चल रही है, और ये सीमा पुराण कथा 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चलेगी, जो कि आज सीमा पुराण कथा का दूसरा दिवस था। और दूसरे दिवस पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने जो कि एकादशी ग्यारस के उपाय बताए, यदि आप ये उपाय करते हो तो आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी और धन में वृद्धि रहेगी और पितरों को भी मुक्ति मिल जाएगी। तो आइए अपन जान लेते कि इस कथा में पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने कौन सा उपाय बताया, जो कि अभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। गुरुजी ने छत्तीसगढ़ सीमा पुराण कथा में बताया कि यदि आपके घर में पितृ दोष हो, या फिर किसी ब्राह्मण साधु संत ने आपको बता दिया है कि आपके घर में पितृ दोष है, इसकी वजह से आपके घर में धन में वृद्धि नहीं हो रही, घर में लक्ष्मी नहीं आ रही, या फिर हर एक काम में आपको बार बार रुकावटें आ रही है, तो आपको निश्चिंत रहना। गुरु जी ने इस गोस पितृ सीमा पुराण कथा में बता दिया ये उपाय, जो कि आपको 11 एकादशी के दिन करना है। अब हम जान लेते हैं एकादशी के दिन कौन सा उपाय करना है। आपको एक तांबे के लोटे में जल ले लेना है और उसी जल में आपको गंगा जल भी मिला लेना है, और 7 बेल पत्ती ले लेनी है। आपको अपने नजदीकी शिवालय चले जाना है और उस जल को नंदी महाराज के सीधे पैर पर आपको उस जल को चढ़ा दे, और जो वो 7 बेल पत्तियां रहेगी वो आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देनी। अपने पितरों का स्मरण कर वो 7 बेल पत्तियां शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है, और आपको नंदी महाराज पर जल चढ़ाते समय आपको लोटे में थोड़ा सा जल बचा ले, और वो जल आपको अपने घर लेकर आ जाना है, और उसी जल को सारे घर में छिड़क देना है अपने पितरों का स्मरण करके। ऐसा करने से आपके घर में शांति बनी रहेगी और पैसा रुकने लगेगा, और आपके ऊपर सभी पितरों की कृपा बनी रहेगी, और आपका सभी तरह का पितृ दोष, नंदी जी के ऊपर जल चढ़ाने से और शिवलिंग के ऊपर बेल पत्ती चढ़ाने से सभी तरह का पितृ दोष समाप्त हो जाएगा। आपको यह उपाय एकादशी के दिन प्रदोष काल 6 बजे से 8 बजे के बीच में आपको यह उपाय कर लेना है। यह उपाय बहुत सरल और बहुत लाभदायक है, तो आप ये उपाय एक बार जरूर कीजिए। यह उपाय करने से आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने छत्तीसगढ़ श्री गोपित्र सीमा पुराण कथा में ये उपाय बताया। यदि आप ये उपाय करते हो तो आपको काफी लाभदायक होता है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा में बताया गया उपाय पता चला होगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे आप नए हो तो रेड बटन के आइकन को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप तक पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी के उपाय की वीडियो पहुंचते रहे। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।